Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm here to discuss a very important topic. So pen and paper leke ready ho jaiye. Aaj ka topic hai how to prepare just before your midterm exam. So half yearly exam or midterm exams are very near, right? So all of you must be very anxious. I get you. I am here to help you out with some tips jo ki maine apne research and mere khud ke experiences se banaye hain. सो प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पांच टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ विच आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट आर दोज पर्टिकुलर टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज क्रिएटिंग माइंड मैप्स चैप्टर वाइज. ओके, नाउ before I tell you what is mind map and how do you prepare chapter wise, I am taking that ये आप लोगों ने already सारे chapters thoroughly पढ़ लिए हैं because it is already exam time, so आपका सारा chapters already हो चुका है. तो एक बार सारे chapters thoroughly फिर से go through कीजिए if you have already not done that. Okay, so once you are done that, you need to prepare mind maps chapter wise. अभी आपको बताने वाली हूँ mind map क्या है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करने वाली है. प्लीज नोट डाउन व्हाट एवर आई एम सेइंग नाउ. ओके, तो उसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगी. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि देर आर सर्टन थिंग्स, सर्टन इंसिडेंट्स जो कि बहुत पहले हुआ है बट स्टिल वी रिमेम्बर दैट, एंड देर आर सर्टन थिंग्स जो कि बहुत ही रिसेंटली हुआ है, जैसे कि आपने कोई चीज कहीं पे रखा है एंड यू फॉरगेट दैट. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंस? तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, हमें वही सब चीजें ज्यादा याद रहती है जिसके साथ कुछ कनेक्टिंग थॉट्स होते हैं. देयर आर सम कनेक्टिंग इंसिडेंट्स जो कि उसके साथ कनेक्टेड है, सो वो सारे चीजें हमें ज्यादा याद रहती है. सिमिलरली माइंड मैप्स हमें हेल्प करेंगी अपने टॉपिक्स को ज्यादा रिमेम्बर करके रखने के लिए. सो ये आप साइंस के लिए भी यूज कर सकते हो, ये आप हिस्ट्री के लिए भी यूज करते कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स एंड इवेंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ आई टेल यू, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट. सो जब मैं स्कूल बोलती हूँ, सपोज आई टेल यू द वर्ड स्कूल, तो क्या होता है आपके दिमाग में? बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं स्कूल के रिलेटेड. दोज आर कॉल्ड द कनेक्टिंग थॉट्स. फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर आई, या कोई फ्रेंड, या ब्लैक बोर्ड, या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ द स्कूल, या प्रोजेक्ट. तो स्कूल बोलते ही आपके दिमाग में झटझट 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 कुछ ख्याल आने लगे, राइट? देयर आर सर्टेन कनेक्टिंग थॉट्स दैट्स started to coming in, isn't it? So ये हो गया आपके माइंड में एक मैप क्रिएट. तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ऐसा एक मैप क्रिएट हो रहा है जो कि कनेक्टिंग थॉट से रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक इवेंट और अ स्पेसिफिक थिंग. वैसे ही हमें चैप्टर वाइज मैप्स क्रिएट करने हैं जिसे हम माइंड मैप्स बोलते हैं. तो कैसे बनाएंगे वो मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ आपको. ऑलराइट, so now this is a chapter which is known as food, where does it come from? Okay, so I have prepared a mind map for that, and how does it look like? So chapter apne pad liya, summarize kar liya, lekin aisa hota hai ki padhne ke baad bhi there are certain important things that you are not able to remember, recall or whatever it is. I'm not telling you ki aapko sab kuch ratna hai, nahi, science mein to ratna hai hi nahi, aapko samajh ke lena hai sari cheeze. But then certain facts that you need to know, you need to remember certain facts. तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में longer time तक रहे, वो आप कैसे करोगे? How will you do that? You will make a map like this. So ये हो गया chapter. अभी इसके related जितने भी important चीजें आपको पढ़ने के बाद याद आ रहे हैं, make a mind map of that. जैसे कि food का क्या है बहुत important, which is the sources of food, right? Different types of sources are there, plant and animals, right? प्लांट के कुछ एडिबल पार्ट्स है जैसे कि रूट, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर. एंड ऑल्सो सम एग्जाम्पल जो आपको याद है आप लिख सकते हो, रूट्स जैसे कि कैरेट, जिंजर, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल एक्सेट्रा. तो ये आपने लिख के बना लिया, एंड इसमें आपने कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ कर ली. इफ यू वांट, यू कैन ऑल्सो राइट सम यू नो सम शॉर्ट नोट्स बिसाइड दीज थिंग्स. जितना भी जो भी आपको याद है ऐसे एक मैप के आकार में आपने बना लिया. ओके, नाउ फूड का बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फूड प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज, इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग एंड ग्रोथ. सो ये सारी चीजें भी मैंने माइंड मैप पे बना लिया. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन हाउ डू दे कंज्यूम फूड, जो कि है ओमनिवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर एक्सेट्रा, राइट? अभी उसका भी आपने एक मैप बना लिया.
ओमनीवोर का मतलब क्या है, शॉर्ट में आपने लिख दिया दैट दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, एग्जाम्पल एक आपने लिख लिया, ओके, कार्निवोर का भी वैसे ही किया आपने एंड हर्बीवोर का भी वैसे ही किया. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ माइंड मैप. तो मैंने एक चैप्टर का आपको एग्जाम्पल दे दिया है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज वेल इफ यू वांट, ओके, बट इट इज नॉट नेसेसरी, आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो कोई भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसको समराइज करने के लिए माइंड मैप बनाओ, ओके, री राइट योर नोट्स. आई एम श्योर यू ऑल हैव रिटन नोट्स टिल दिस पॉइंट, राइट? तो वही नोट्स को फिर से बनाओ, लिखने से और भी अच्छे से क्लैरिटी आती है थॉट्स में, कहाँ पे आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहाँ पे आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, दैट यू विल गेट. ओके, नाउ दिस इज द माइंड मैप, दैट इज समथिंग न्यू, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव लर्न्ड. ओके, तो माइंड मैप बना लीजिए चैप्टर वाइज, दैट इज वन पॉइंट. नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, सबसे बढ़िया तरीका है टू यू नो प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इज टू डू अ सेल्फ टेस्ट. अपने आप को बार बार टेस्ट करो. कैसे करोगे? बाय टेकिंग क्विजेस, बाय सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स. ओके, सो अभी इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, देर आर सम ऑथेंटिक साइट्स एज वेल, जहां पे जाके आप टेस्ट ले सकते हो, क्विजेस ले सकते हो. इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो विजिट शताब्दीज क्लासेस ऐप, वहां पे मैंने कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी रखे हुए हैं, यू कैन विजिट दैट, और यू कैन एनरोल फॉर द एग्जाम प्रेप कोर्स, जहां पे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ फॉर योर असिस्टेंस फॉर मिड टर्म एग्जाम. सो स्पेसिफिकली मिड टर्म एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया है, वहां पे टेस्ट पेपर्स मैंने खुद बनाए हैं, स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है, व्हिच इज गोइंग टू मेक योर वर्क रियली इजी. सो फील फ्री टू विजिट दैट, और एल्स यू कैन ऑल्सो विजिट अदर एप्स ऑल्सो, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, या कुछ बुक्स भी होते हैं क्वेश्चन पेपर्स का, वो भी आप सॉल्व करो. जितने ज्यादा क्विजेज आप करोगे, सो सी दिस माइंड मैप्स एंड क्विजेज में आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले. जब आप माइंड मैप बनाने वाले हो, इट इज एडिंग अ फन एलिमेंट टू योर स्टडी, राइट? सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट बोर्ड, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है. क्विजेस करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड आपका नॉलेज टेस्ट भी हो रहा है, उसके साथ आप तरह तरह के क्वेश्चंस भी देख रहे हो, राइट? दैट इज अनदर थिंग. ओके, सो यू नीड टू मेक माइंड मैप, समराइज योर चैप्टर्स, एंड यू नीड टू टेस्ट योर सेल्फ विद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ अनदर थिंग इज ग्रुप स्टडी और टीचिंग अ फ्रेंड. जब आप किसी और को कुछ यू नो क्लैरिफिकेशन देते हो या पढ़ाते हो, यू अंडरस्टैंड आपकी कमजोरी कहाँ पे है, वेयर यू नीड टू वर्क मोर. सो व्हेन यू आर अ टीचर यू विल अंडरस्टैंड दैट मोर. सो आप जब एक टीचर बन रहे हो अपने किसी दूसरे फ्रेंड के लिए जिसको कुछ और चैप्टर में कमजोरी है, यू आर प्रिपेयरिंग मोर फॉर दैट बिकॉज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम, यू आर डूइंग मोर रिसर्च ऑन दैट. आपके कोई और फ्रेंड को भी आप बोल सकते हो आपको पढ़ाने के लिए, इफ देर इज एनी यू नो चैप्टर दैट यू आर रियली वीक और यू नीड मोर असिस्टेंस. तो ग्रुप स्टडी इज अ वेरी गुड थिंग टू डू. ओके, यू कैन डू दैट, दैट विल ऑल्सो एड अ लॉट ऑफ fun element because both of you must be anxious about exams. You can share a little chit chat, you can do a little chit chat, and you can also do study. So that is a great thing. Okay, another thing is that don't try to make a timetable jahan pe aap 7-7, 8-8 ghante ek din mein padhne wale ho baith ke at a stretch. No, don't do that. That is going to bore you, and that is also going to make you your concentration level is not going to be that consistent. ओके, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, व्हिच आई यूज्ड टू डू इज आई आल्सो यूज्ड टू स्टडी फॉर 10-10, 12-12 आवर्स ड्यूरिंग माय स्कूल एकेडमिक्स. बट मैं क्या करती थी, सपोज 40 मिनट्स का मैंने पढ़ा, मैंने 5 मिनट्स का एक ब्रेक ले लिया, छत पे जाके मैं टहल के आई, या कहीं से घूम के आई, या एक ब्रीदर ले लिया थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, देन फिर से मैंने स्टडी किया. सो जितने देर तक आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रह रहा है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर से स्टडी करो, एंड स्टडी इन चंक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करो, रूटीन बनाओ एंड उस हिसाब से पढ़ो. डोंट ट्राई टू मेक टाइम टेबल जो आप मेंटेन ही नहीं कर सकते, ठीक है? नाउ अनदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू नो योर गोल, यू नीड टू नो योर एग्जाम पैटर्न. देखिए, अगर आपको पता है कि कल आपको केरला जाना है, ओके, तो आप को अगर रूट पता भी नहीं है, आप कैसे भी किसी को पूछ के वो गोल तक पहुंच जाओगे, राइट? यू विल फाइंड अ कैब, यू विल फाइंड अ बस, यू विल फाइंड अ ट्रेन और एनीथिंग, एंड यू विल रीच दैट डेस्टिनेशन. बट अगर आपको गोल ही नहीं पता, तो देन फिर आप क्या करने वाले हो, यू गोइंग टू वंडर अराउंड. सो व्हाट डू यू नीड टू डू, यू नीड टू नो आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर लो, यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ. हार्ड वर्किंग ही सब कुछ नहीं है आजकल, स्मार्ट वर्क इज द ट्रेंड.
ओके, सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं. आप सपोज आपने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट यू योर एग्जाम पेपर इज फुल ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ रहा है, तो वैसे चैप्टर्स अगर वैसे क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर नहीं हो पहले से, देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, इवन दो योर बेसिक इज वेरी क्लियर. ओके, तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन आपके प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न कैसे रहे हैं एग्जाम का. ओके, सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट. पढ़ने से पहले, रिविजन करने से पहले, नो द पैटर्न, नो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर एग्जाम. ओके, सो दीज आर सर्टन थिंग्स एंड आई एम श्योर आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. ओके, सो डू ऑल दीज थिंग्स एंड फील फ्री टू विजिट माई ऐप शताब्दीज क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर. ओके, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड फील फ्री टू जॉइन द कोर्सेज दैट आई एम प्रोवाइडेड. इफ यू नीड स्पेशल असिस्टेंस, आई एम गिविंग यू अ क्रैश कोर्स फॉर 2 months. यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर अ मंथ एज वेल इफ यू नीड. ओके, सो दैट्स ऑल एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प की है. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं ऐसे बहुत सारे फ्री टिप्स के साथ एंड टॉपिक्स के साथ आने वाली हूँ जो आपको हेल्प करने वाली है. थैंक यू सो मच. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.